बिहार में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें भीड़ भाड़ वाले जगह पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई थी ताकि कोविड 19 के नियमों का सही से पालन हो। लेकिन पटना के गांधी मैदान के पास बस स्टैंड का नजारा कुछ और ही था। इसका जायजा लिया नेशन न्यूज संवाददाता बिरजू सिंह ने। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार इन दिनों बिहार में कोरोना पॉजिटिव होने वाले लोगों की संख्या जो है वो लगातार वृद्धि होती जा रही है। और खास तौर पे आपको बता दें कि भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उसमें यह भी एक बिंदु यह भी है कि भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर भीड़ न लगे, लोग कोविड 19 के जो गाइडलाइंस है उसका पालन करे, उसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से जो एक बिंदु दिया गया उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पुलिस बल की अधिक से अधिक तैनाती किया जाए ताकि लोग जो है कोविड 19 का जो गाइडलाइन है उसका पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग वाले बात हो या मास्क सैनिटाइज की बात हो, वो सभी चीज़ें जो है वो ज़मीन पे लागू हो। चूँकि जिस तरीके से पटना में लापरवाही देखने को मिल रही थी उसको देखते हुए बिहार सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। इस वक्त हम गांधी मैदान के बस स्टैंड में है, जहां पे आप तस्वीर देखिए कि कोविड जो 19 का गाइडलाइंस है उसका किस तरह से पालन किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा सुरक्षा बल की तैनाती को लेकर कई बातें कही गई कि ज़्यादा संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती होगी ताकि लोग जो है वो डर भय जिस तरह से हो कोविड 19 के उल्लंघन न करे, उनका गाइडलाइन जो है उसका पालन करे। लेकिन यहाँ पे कुछ तस्वीर ऐसे भी है कि जरा देखिए बस जो चालक है वो भी मास्क नहीं पहने हुए हैं, ये स्थिति यहाँ की है। लोग डर के कारण मास्क भी उनको पुलिस का डर हो, 50 रुपये फाइन देने को हो तब पहन रहे हैं, नहीं तो लोग भी लोगों में कहीं ना कहीं ये भय जो नहीं है। तस्वीर गांधी मैदान बस स्टैंड की है। अगर यही स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर रही जब बिहार में लॉकडाउन लगाने की स्थिति में बिहार सरकार आ जाए। कैमरा पर्सन अमित। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहे कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कोरोना वैक्सीन लेने की बात कही। और इस मौके पर संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। बंगाल चुनाव में यह निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि कुछ उनके विरोधी रहें और इसीलिए उन्होंने यह एडवाइस किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह किसी और जगह भी भर लें, क्योंकि वह नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। अगर वह बात मान जाएंगी तो एक अच्छा विरोधी दल का नेता भी बंगाल विधानसभा में।